हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स, आज दे इस लैक्चर नुमेरिकल एनालिसिस दा लैक्चर नंबर 25 करन जा रहे हैं। इस लैक्चर दे अंदर असी आज नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर लगे हैं, एक्सरसाइज 5.3 शेबशेव इंटैग्रेशन, जां ये कह लो गॉस शेबशेव इंटैग्रेशन, जां सिंपली शेबशेव इंटैग्रेशन, जां गॉस शेबशेव इंटैग्रेशन, ये असी एक्सरसाइज शुरू करन जा रहे हैं। इस तो पिछले लैक्चर असी कीता सी गॉशियन इंटैग्रेशन, जां गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला कह लो, जां गॉस लेजेंडर फार्मूला भी आपां कह दिंदे आ। सो अज असी कर रहे हैं शेबशेव इंटैग्रेशन। सब तो पहले फार्मूले लिखांगे, सब तो पहले 1.1 गॉस शेबशेव फार्मूला, इंटैग्रेशन फार्मूला कह लो, 1. गॉस शेबशेव फार्मूला की है जी फार्मूला, वो हुण बड़े ध्यान नाल समझियो। पहचान की होएगी, कित्थे लगाना है फार्मूला। इंटैग्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम -1 to 1, दैन एफ एक्स ओवर, ये पहचान है इहदी, डी एक्स ये पहचान है, इज इक्वल टू होएगा पाई एफ जीरो। देखो जड़ा सी गॉशियन इंटैग्रेशन च कीता, गॉस लेजेंडर इंटैग्रेशन च कीता, उहदे च -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स सी, इहदे च एफ एक्स ओवर अंडर रूट 1 - x² यही इहदी पहचान होनी है। तो जे तुहाडियां लिमिट्स -1 to 1 नहीं हैगियां तां वो भी असीं चेंज करांगे, -1 to 1 ही चाहीदियां सानूं। सो सैकंड फार्मूला जी साडा 2. गॉस शेबशेव फार्मूला, वो की है जी फार्मूला, वो देखो -1 to 1 एफ एक्स ओवर 1 - x² डी एक्स, इहदे च होएगा π/2 ब्रैकेट स्टार्ट एफ -1/√2 प्लस एफ 1/√2, ये होएगा फार्मूला। उस तो बाद थर्ड फार्मूला 3. गॉस शेबशेव फार्मूला -1 to 1 एफ एक्स ओवर 1 - x² डी एक्स, इतने से पाई, इतने π/2, तो हुण इस फार्मूले च आएगा π/3। थर्ड फार्मूले च की आएगा π/2 दैन π/3 एफ -√3/2 प्लस एफ 0 एंड प्लस -√3/2। फस्ट फार्मूले च एक टर्म, सैकंड च 2, थर्ड च 3, सिमेट्रिक है। देखो जो 3 है ऑड है तो उस 0 आएगी, ये भी ऑड है 0 आएगी, जदों 2. फार्मूला तो वो 0 वाली टर्म नहीं आएगी। सिमेट्रिक है जी, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, प्लस है तो इधर माइनस है। सो इस तरीके दे नाल असी अगे तो अगे जिहड़े फार्मूले है वो राइट कर सकते हैं। सो ये 3. फार्मूला। हुण असी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करांगे। हाँ जी, एक्सरसाइज का फस्ट क्वेश्चन शुरू कर जा रहे हैं आप। सोल्यूशन, गिवन इंटैगरल विच वेरीज फ्रॉम -1 to 1 √1 - x² कोस एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज, देखो साड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म की है, स्टैंडर्ड फॉर्म इज एफ एक्स ओवर, उपर कोई फंक्शन होवे, नीचे 1 - x² होवे, ते घबरा नहीं जाना कि अंडर रूट नीचे चाहिए उपर आ गया, तुसी नीचे लेके आओगे अंडर रूट 1 - x² दे नाल डिवाइड
अंडर रूट वन माइनस एक्स स्केयर दे नाल मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस तरीके तुहाडे कोल ये फंक्शन आ जाएगा। की कीता इसे टर्म दे नाल डिवाइड, इसे टर्म दे नाल मल्टीप्लाई, स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसल आउट, सो माइनस वन टू वन, वन माइनस एक्स स्केयर इन टू कॉस एक्स ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्केयर डी एक्स, विच कैन बी रिटन एज माइनस वन टू वन एफ एक्स ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्केयर डी एक्स, वेयर एफ एक्स इज अंडर वन माइनस एक्स स्केयर इन टू कॉस ऑफ एक्स। इस स्टैप पर असी बड़े ईजीली पहुँच गए, उम्मीद करता कि तुम समझ भी आ कि होएगी की किया। इस स्टैंडर्ड फॉर्म च कन्वर्ट करने के लिए अंडर रूट वन माइनस एक्स स्केयर के नाल डिवाइड, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्केयर के नाल की है मल्टीप्लाई, उस तो बाद स्केयर नाल स्केयर रूट कैंसल आउट, सो ये हो गया साडा एफ एक्स, वेयर एफ एक्स वन माइनस एक्स स्केयर इन टू कॉस एक्स। तो हुण फार्मूला की सी, थ्री पॉइंट फार्मूला लगाने लिए क्या इस क्वेश्चन के अंदर, सो अपलाई थ्री पॉइंट फार्मूला, सो बाय थ्री पॉइंट गॉस चेबिशेव फार्मूला विच इज इक्वल टू पाई ओवर थ्री एफ माइनस अंडर रूट थ्री ओवर टू प्लस एफ जीरो प्लस एफ अंडर रूट थ्री ओवर टू। सो वैल्यूज पुट करो, एफ माइनस अंडर रूट थ्री बाय टू की वैल्यू की आ गई, सो रिप्लेस एक्स बाय माइनस अंडर रूट थ्री, तो वो आ जाएगा जो तो स्केयर किया तो ये पॉजिटिव हो जाना, स्केयर करोगे तो वो आ जाएगा वन माइनस एक्स, ये एक्स स्केयर करोगे थ्री ओवर फोर कॉस माइनस अंडर रूट थ्री ओवर टू। सो जीरो पुट करोगे कॉस जीरो वन, सो ओदी वैल्यू आ जाएगी वन, सो ओ वैल्यू आ जाएगी वन। नाउ देन अंडर रूट थ्री बाई टू पुट करोगे अगेन वन माइनस थ्री ओवर फोर, जिथे एक्स सी एक्स नो सी रिप्लेस करते पे अंडर रूट थ्री बाय टू दे नाल, सो कॉस अंडर रूट थ्री ओवर टू। ओके नाउ कॉस माइनस थीटा इज अगेन कॉस थीटा, सो पाई ओवर थ्री फोर एलसीएम वन ओवर फोर एंड कॉस अंडर रूट थ्री ओवर टू कॉस जीरो सी वन, ये भी आ गया जी वन बाय फोर कॉस अंडर रूट थ्री ओवर टू। कॉस थ्री ओवर टू का की मीनिंग आ, वन ओवर फोर, चाहे इन दोनों मिला दो वन बाय फोर, वन बाय फोर हो गए टू ओवर फोर। ओके कॉस अंडर रूट थ्री बाय टू की वैल्यू की होंगी है वो तुम सारियां नू जे नहीं पता तो तुहाडे कोल साइंटिफिक कैलकुलेटर तो है ही है, तुसी पहले कॉस नू चेंज करोगे, कॉस नू चेंज करोगे रेडियन दे अंदर, फिर तुसी कैलकुलेशन करोगे। तो वैसे तुम्हें पता कि कॉस जीरो किन्ना होंदा वन, कॉस सिक्स थर्टी किन्ना होंदा कॉस थर्टी होंदा अंडर रूट थ्री ओवर टू, सो जे तो इनवर्स होंदा फिर तो गल होर सी। सो यदि सानू कैलकुलेटर ते ही वैल्यू देखनी पएगी कि कॉस अंडर रूट थ्री बाय टू की वैल्यू किन्नी है, सो उन्हों असी कैलकुलेटर की हैल्प दे नाल सॉल्व करांगे, वो आएगी सॉरी वो आएगी जी वैल्यू सिंपलीफाई करने तो बाद वो आएगी 0.6478 कॉस अंडर रूट थ्री बाय टू की वैल्यू। सो पहले साइंटिफिक कैलकुलेटर तुसी यूज़ करोगे वो
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰੋਂਗ। ਦੇਖੋ ਇਹ 1-1 ਹੋ ਗਏ 2, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ 2 ਆ ਗਏ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਪਾਈ ਓਵਰ 3, 1/2, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, 1/2 0.6478+1, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 22/7, 180 ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 22/7, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 0-1 cos 2x, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਜੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 0-1 cos 2x ਓਵਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 1-x² dx। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ -1-1 ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਏਗਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ +1, +2 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ -a(a)(fx)dx=2(2a)(fx)dx ਇਫ fx ਇਜ਼ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਔਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 0 ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਟਵਾਈਸ ਕਰਕੇ 0-2a(fx)dx ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਔਲਰੇਡੀ +2 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSc 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਗਰਲ 0-2a(fx)dx ਆ ਅਤੇ fx ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਧਰ, 1/(-a)(2a)(fx)dx ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ GX ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, GX ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, cos 2x/√1-x² change x to minus x ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, cos -2x/√ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ -10² + ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ cos -θ ਅਗੇਨ cos θ। ਸੋ ਸੇਮ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜੋ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਸੋ ਸੇਮ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ GX। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ, ਇਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ ਵੈਨ ਐਕਸ ਚੇਂਜਸ ਟੂ -x, ਵੈਨ ਐਕਸ ਚੇਂਜਸ ਟੂ -x, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ, ਦੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਦੈਨ GX ਇਜ਼ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਈਵਨ ਆ ਜਾਂ ਔਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਔਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ cos -θ cos θ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਨੀਚੇ ਵੀ x-x² ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ, ਜੇ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਇੰਟੈਗਰਲ 1/(-1:1)fx(dx) ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, 0-2a ਆ ਤਾਂ ਹਾਫ ਕਰਕੇ -a(-a) ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ 0-2a, ਸੋ -a(-a) ਹਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਟਾਈਪ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, Gauss-Chebyshev 3-point formula। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ Gauss-Chebyshev 3-point formula ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 1/2
कॉस टू एक्स ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, हाँ जी माइनस वन टू वन। सो ए किस टाइप से चेंज हो गया, माइनस वन टू वन, ऊपर वाले फंक्शन तुसी एफ एक्स कह दोगे, नीचे वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वेयर वट इज एफ एक्स, एफ एक्स इज वन ओवर टू कॉस ऑफ टू एक्स। सो बाय चेबीशेव थ्री पॉइंट फार्मूला इट इज़ इक्वल टू पाई ओवर थ्री एफ ऑफ माइनस अंडर रूट थ्री ओवर टू प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एफ अंडर रूट थ्री ओवर टू। हूँ सिंपलीफाई तुसी आप करोगे तो वो ताड़े को आ जाएगा आंसर, तो आंसर आ जाएगा ताड़े को इस क्वेश्चन का 0.354, 0.354। सो इस तरीके ये जिहड़े क्वेश्चन आ वो तुसी करोगे। सो बहुत सिंपल सी ये, तुसी हुण इहदे नाल तुहाडी ई एक्सरसाइज कंप्लीट हुंदी आ। हुण असी नैक्सट एक्सरसाइज स्टार्ट करांगे अपने अगले लैक्चर के अंदर। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ रही होएगी, तो जे आ रही आ तां लाइक करना तुहाडा फर्ज आ। सो वो लाइक वाला बटन प्रेस कर दो। काफ़ी जिहड़ी परसेंटेज आ उन्होंने चैनल भी सबसक्राइब नहीं किया, सो चैनल भी सबसक्राइब कर देना चाहिए तुहानूं। सो थैंक यू।